इन हाथों से टीके लगाए, इन हाथों से। नेटी नेटी अपने हाथों से कितने ठोके हैं ना, ये भी नहीं बता सकता अभी मैं। तो क्या हालचाल और कैसे आप लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रजत दलाल के लाइव वीडियो के बारे में, जिसमें उसने सिंगा और मनु चौधरी दोनों को एक्सपोज कर दिया। इस वीडियो में आपको हमें दिखाऊंगा कि रजत दलाल ने जो वीडियोस अपनी लाइव पे दिखाई, जिससे पता चलता है कि मनु चौधरी सिंगा नेचुरल है या नहीं। तो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, रजत दलाल लाइव वीडियो पे आता है इंस्टाग्राम पे रात के 2 बजे और गुस्से में नज़र आता है, और वहीं इसी हड़बड़ी में रजत दलाल वीडियो लीक कर देता है मन्नू चौधरी की स्टीरॉइड लेते हुए। नेटी अपने हाथों से कितने ठोके हैं ना, ये भी नहीं बता सकता अभी मैं तुम्हें। नेटी चौध, और इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि मनु चौधरी के हाथ में स्टीरॉइड्स हैं जो वो ले रहा है या लेने वाला है। और रजत दलाल का ये कहना है कि वो उसी के पास आता था स्टीरॉइड्स लेने। फिर आगे जाके रजत दलाल वीडियो में मनु चौधरी की एज पे भी कमेंट करता है, ये है वो वीडियो, आप खुद देखिए। यार चूतिया, बालकों को चूतिया बना रहे हैं, चूतिया ही बनाए जा रहे हैं। 2015 से मुकेश गहलोत भाई साहब की जिम में जा रहा हूँ, 8 साल हो गए, तब से बैंड की चूत 19 साल का ही हुआ है बंदा। 11 साल में आके ट्रेनिंग कर रहा था क्या तेरे को? मैं मन्नू ठोक के नाम बोल के बोल रहा हूँ, कोई नाम लेके नहीं बोलता तेरे को, मैं बताऊंगा नेशनल में। और ये सारी वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि मन्नू चौधरी नेचुरल है, तो भाई देखो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नेचुरल है। इसने सारे प्रूफ दिखाने के बाद भी अगर आप तुम उसको नेचुरल कंसिडर करोगे तो भाई इट्स योर चॉइस। और आगे जाके रजत दलाल ने सिंगा पे भी बहुत कमेंट किए। रजत दलाल का ये कहना था कि सिंगा ने जो 4 साल का ब्रेक लिया है वो ब्रेक नहीं है, बल्कि वो बैन हो चुका है PI से, और ये बात छुपाई जा रही है सिंगा की तरफ से और बाकी एथलीट्स की तरफ से। और रजत दलाल का ये कहना था कि सिंगा डोप टेस्ट में फेल हो गया था जो कॉम्पिटिशन में हुआ था। और रजत दलाल का क्या कहना था सिंगा के एशियन ना खेलने पे, आप खुद देखिए। पूरा ऊपर चढ़ा दो, फिर बोल दो इसमें पैसा नहीं है। क्यों आया था? गांड मराने आया था अपनी, गांड मराने आया था अपनी। 4 महीने बाद तू पावर लिफ्टिंग वापस करता दिखेगा, ले रिकॉर्ड कर लेना इस चीज को। कोई जहां देश के लिए खेलने का मौका मिलता है तुम वैसे देशभक्ति के गाने चलाते हो और वो मौका छोड़ देते हो। हाँ, कल को तो तुम बहन से जमीर भी बेच दोगे, बेच क्या दोगे, बेच ही रखा। आगे जाके रजत दलाल ये भी कहता है कि सिंगा ने उसे स्टोरी हटाने के लिए कहा था, जिस स्टोरी में सिंगा कोई सब्सटेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है वो वीडियो, आप खुद देखिए। किसी को कुछ नहीं आता, लास्ट टाइम एक स्टोरी डाली थी ना, साथ साथ फोन आ गया था, उसको हटा दो प्लीज। उसके बाद मेरे को बोलता आप उसमें लिख दो गलती से, तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ, गलती से लिख दिया। अरे मैंने आज से पहले कभी ठोक के नहीं बोला, अब मैं दिखाता हूँ मेरी गांड में गूदा कितना है। और अनफॉर्चुनेटली सिंगा वाली वीडियो में इस वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो आप सब्सक्राइब करो, Part 2 में मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा। और भाई इस वीडियो का पर्पस नहीं है कि हम हेट फैलाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो उनके ऑडियंस है वो इन्फॉर्म रहे कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। और एंड में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही किसी भी इन्फ्लुएंसर पे भरोसा ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपसे छुपाए रखते हैं। और अगर भाई आप लोगों को इस कंट्रोवर्सी की इनडेप्थ वीडियो चाहिए कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई और रजत दलाल ने ये वीडियो अपलोड क्यों किया, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको Part 2 देखना है इस कंट्रोवर्सी का तो सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए पीस आउट। कल तक माफीनामा आ गया तो नेशनल में नहीं मिलूंगा, और मैं मिलूंगा तो मुंह से बात नहीं करूंगा, हाथों से करूंगा।